हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट SST, चैप्टर नंबर 4, माई फैमिली, मेरा परिवार, पेज नंबर 18। वी लिव इन ए हाउस विथ आवर फैमिली। हम सब घर में परिवार के साथ रहते हैं। कहाँ घर पे रहते हैं ना, अपन सब परिवार के साथ में रहते हैं। विच फैमिली डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइट इट हेयर, यहाँ लिखना है। अभी कह रहे हैं, हेलो आई एम यसीना, मैं यसीना हूँ। आई बिलोंग टू द सीना फैमिलीज, और मैं सीना फैमिलीज है। राइट इट हेयर, यहाँ लिखना है। आई बिलोंग टू द फैमिली, कौन सी फैमिली आपकी, तो राइट योर सीना हेयर, इसकी तो सीना फैमिली है। आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। ओके, सब बच्चों को लिखना है। माई फादर्स नेम इज़, आपके पापा का नाम क्या है, यहाँ लिखोगे। सब बच्चों को अपने पापा का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर है माई मदर्स नेम इज़, अपने अपनी मम्मी का नाम यहाँ लिखना है सबको। ओके, ए मदर ए फादर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेक ए फैमिली। मम्मी पापा मम्मी बहन भाई मिलके एक परिवार बनता है। द मदर्स एंड द फादर्स आर कॉल्ड पेरेंट्स, मम्मी पापा और परिवार में रहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स, भाई बहन होते हैं उसे सिबलिंग्स कहते हैं। अभी माई फैमिलीज एल्बम, फैमिली की फोटो ड्रॉ करनी है। ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फैमिलीज पेस्ट विद देयर नेम्स टू, यहाँ अपने फैमिली की पिक्चर लगानी है और उनका नाम लिखना है यहाँ पे। ओके, पेज नंबर 19 निकालो। पेज नंबर 19, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज, अलग अलग तरह की फैमिलीज होती है। सम फैमिलीज आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज, कुछ सम फैमिली छोटी होती है और कुछ बड़ी होती है। ये कौन सी फैमिली है, देखो लार्ज फैमिली है। ए स्मॉल फैमिली में कौन कौन रहते हैं, पापा मम्मी पेरेंट्स और बच्चे, उसे स्मॉल भाई बहन स्मॉल फैमिली कहते हैं। अपन स्मॉल फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ए पिक्चर ऑफ स्मॉल फैमिली, ये स्मॉल फैमिली की पिक्चर है। ए स्मॉल फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड वन और मोर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर, स्मॉल फैमिली थी उसके साथ पास साथ में पेरेंट्स रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं और बच्चे रहते हैं, एक या दो बच्चा रहते हैं, वो स्मॉल फैमिली कहलाती है। द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उसे दादा दादी कहते हैं। द फादर ऑफ आवर पेरेंट्स इज नाउ एज आवर ग्रैंड पेरेंट्स, सॉरी ग्रैंड फादर्स, जो पापा होते हैं पापा के पेरेंट्स होते हैं उसे ग्रैंड फादर कहते हैं। द मदर ऑफ आवर पेरेंट्स, मदर ऑफ पेरेंट्स इज नाउ एज आवर ग्रैंड मदर, जो मदर के पेरेंट्स होते हैं मदर के पापा में होते उसको ग्रैंड मदर कहते हैं, वो ग्रैंड मदर होते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और हमें उनके उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, हम उसका पेरेंट्स का, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स का और ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स के पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं। व्हाट डू यू कॉल यू ग्रैंड पेरेंट्स इन योर मदर टंग, राइट इट हेयर, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में मदर वगैरह रहते हैं, राइट इट हेयर, यहाँ देखेंगे, ये लिख। दिस इज पिक्चर ऑफ लार्ज फैमिली, ये बड़ी फैमिली है, लार्ज फैमिली ये पिक्चर दी हुई है लार्ज फैमिली की। ए लार्ज फैमिली हैज़ पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट्स एंड दी चिल्ड्रन हु लिव्स टुगेदर, बड़ी फैमिली होती है उसके साथ में पेरेंट्स रहते हैं, पिता माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं, दादा। हेलो बच्चों, अब अपन एक्टिविटी करेंगे, पेज नंबर 20 पे। राइट टी फॉर द ट्रू ऑफ एफ फॉर द फॉल्स, ऑल फैमिलीज आर द सेम, क्या सभी फैमिली सेम होती है क्या, नहीं होती है, कोई स्मॉल होती है कोई बिग होती है ना, तो एफ करेंगे फॉल्स है।
ओनली द मदर इज नाउ एज द पेरेंट्स, जो केवल माँ होती है वही पेरेंट्स होती क्या? नहीं, मम्मी और पापा, फादर और मदर दोनों मिलके पेरेंट्स, दोनों ही मिलके पेरेंट्स होते हैं, अकेली मम्मी पेरेंट्स नहीं हो सकती है, तो एफ आई भी रॉन्ग है। थर्ड है पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स मेक ए स्मॉल फैमिली। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट और बहन भाई, पापा मम्मी दादा दादी और बहन भाई मिलके स्मॉल फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है, नो फॉल चाहिए, वो तो बिग लार्ज फैमिली हो जाती है, तो ये गलत है। जिसमें पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर रहते हैं और सिबलिंग बहन भाई रहते हैं, वो कौन सी फैमिली होती है? लार्ज फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली थोड़ी होती है, तो ये फॉल्स है। डी वाला करेंगे, ओवर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर आर नाउ एज ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड मदर दादी जी और ग्रैंड फादर दादाजी और ग्रैंड पेरेंट्स। ओवर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर आर नाउ एज ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ सही है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर दादा दादी होते हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दादा दादी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सही है, ये ट्रू आएगा यहाँ पे। ए लार्ज फैमिली हैज पेरेंट्स अंकल आंट एंड दियर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। लार्ज फैमिली बड़ी फैमिली, लार्ज फैमिली बड़ी फैमिली होती है, उसमें पेरेंट्स अंकल आंटी और दादा दादी चिल्ड्रन बच्चे रहते हैं, राइट है, तो ट्रू आएगा यहाँ। बड़ी फैमिली तो होती है, लार्ज फैमिली कहते हैं, लार्ज फैमिली कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंटी रहते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कज़िन वगैरह, सब कौन सी फैमिली कहलाती है? लार्ज फैमिली कहलाती है, तो ये ट्रू आएगा, सही है ये, ओके, या टी लिखो। फिर टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक करना अपने को। हु डू वी लिव विद इन आवर हाउस, हाउस में कौन रहता है? फैमिली, फैमिली रहती है ना उसमें, फैमिली रहती है, फ्रेंड रहते हैं, नन ऑफ दिस या इनमेज कौन रहता है? परिवार, दोस्त कोई नहीं या दुश्मन, तो कौन रहता है? फैमिली रहती है परिवार में। वो डू वी लिव विद द विद इन आवर हाउस, हाउस में कौन रहता है? फैमिलीज। बी वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन होते हैं? तो फादर एंड मदर, इस पर टिक करेंगे, फादर और मदर तो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड मदर है ये भी नहीं होते हैं, आंट है ये भी नहीं होती है, फादर एंड मदर होते हैं, तो यहाँ फादर मदर पे टिक करेंगे। व्हाट आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कॉल्ड, भाई और बहन होते हैं उसको क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं, तो सिबलिंग्स पे टिक करेंगे, पेरेंट्स को थोड़ी कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, नन ऑफ दिस भी नहीं, सिबलिंग्स होगा। व्हाट आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कॉल्ड, भाई बहन को होते हैं उसको क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं, तो यहाँ सिबलिंग्स पे टिक करेंगे। फिर है डी वाला, व्हाट इज योर पेरेंट्स फादर कॉल्ड, पेरेंट्स के जो फादर होते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर कहते हैं, ग्रैंड फादर पर टिक करेंगे, पेरेंट्स पेरेंट्स को थोड़ी कहते हैं, ग्रैंड मदर भी नहीं कहते हैं, सिबलिंग भी नहीं कहते हैं, पेरेंट्स के फादर को ग्रैंड फादर कहते हैं, तो ग्रैंड फादर पर टिक करेंगे। व्हाट इज आवर पेरेंट्स मदर कॉल्ड, पेरेंट्स की मम्मी को क्या कहते हैं? पेरेंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर या सिबलिंग्स, तो ग्रैंड मदर कहते हैं, पेरेंट्स की पेरेंट्स मदर से कॉल, पेरेंट्स की मम्मी को ग्रैंड मदर कहते हैं। ये आपको बुक में करना है, और क्वेश्चन आंसर कॉपी में मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसमें करना आपको। ओके, थैंक यू।